तो अभी तक हमने जो जो टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं रिगार्डिंग साइटोलॉजी ऑफ क्लास 9, सो एक बारी मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स अभी तक हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें लिविंग्स के कैरेक्टर बताए थे कि लिविंग्स और नॉन लिविंग्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हम जान चुके थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे बायोलॉजी के चैप्टर्स कौन कौन से हैं। बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर्स अभी तक मतलब इस 9th क्लास में पढ़ने हैं, उनके मैंने तुम्हें अलग अलग टर्म्स ही बताए थे उनके नेम की, जैसे कि सेल को साइटोलॉजी, टिश्यूज को हिस्टोलॉजी, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया था। फिर हमने साइटोलॉजी स्टार्ट की 9th क्लास की, और इसमें हमने ये जाना कि एक तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और हमने जाना कि ये बेसिक यूनिट कैसे है लाइफ की और फंक्शनल यूनिट कैसे है लाइफ की, ये चीज हमने जानी। इसके बाद हमने बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल जाने, ठीक है ना, कि सेल के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जिसमें हमने जाना कि ये है आपका बेसिक कंपोनेंट्स में हमने जाना कि सेल मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये 3 मेन कंपोनेंट थे हमारे सेल के। इसके बाद हमने जाना सेल के अंदर मतलब सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है ना, कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। फिर हमने जाना कि अलग अलग साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, साइंटिस्ट कौन कौन से जिन्होंने क्या क्या डिस्कवरी करी है। और फिर हमने जाना सेल थ्योरी क्या है, ठीक है, सेल थ्योरी क्या है। और फिर हमने जाना कि वेरियस टाइप की सेल्स कौन कौन सी है, ठीक है, अलग अलग सेल जानी हमने। उसके बाद जा करके उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, क्रोमोसोम क्या है, ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स, भाई ये बानी बानी कितनी बार आएंगी मीटिंग, बानी बहुत बार आप उस परमिशन। वाले नंबर को कर लीजिए, इसको रहने दीजिए, हम इस पे से लीव कर देंगे। आप इस वाले को कर लीजिए जो आ रहा है, ओके ओके, कर दिया मैंने इस पहले, ओके पर आपकी बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है इस वाले फोन में, इसलिए। कोई बात नहीं। फिर हमने जाना क्रोमेटिन क्या है और क्रोमोसोम्स क्या है, ये भी हमने जाना जिससे कि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और बच्चों माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमने फिर स्टार्ट किया अपना टॉपिक सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है। और हमने 3 टाइप्स की मेम्ब्रेन पढ़ी, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन में हमने जाना। और 3 टाइप्स की मेम्ब्रेन के बाद 3 टाइप्स के सॉल्यूशन भी हमने पढ़े,
थ्री टाइप्स के सॉल्यूशन हमने पढ़े हैं, जिसमें हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक ये सब हमने जाना। अलग अलग तरह की प्रोसेस जो कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है वो भी हमने जानी, लाइक एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। तो ये सब चीजें हमने जानी है, एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस सब हम जान चुके हैं अभी तक, हम इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं। और मैंने इन सभी को डिटेल से पढ़ाया होगा, हो सकता है इनसे ज्यादा ही मैंने आपको पढ़ाया होगा, लेकिन अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मतलब सेल मेम्ब्रेन का जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो चुका है, अब जो टॉपिक है आपका वो हम स्टार्ट करते हैं, सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल से पहले एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन है एक्चुअली जो पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? ठीक है, व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए, मतलब कि ये हमसे ये पूछना चाह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन का सेलेक्टिव नेचर क्यों है, कैसा है, किसकी वजह से हुआ है, ये सब हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। जैसे कि मैंने फॉस्फोलिपिड बना दिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स बना रहा हूँ, और कितनी लेयर बना रहा हूँ मैं इसकी, दो लेयर बना रहा हूँ। इसलिए बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में जो ये फॉस्फोलिपिड से बनी हुई लेयर है वो दो हैं, और इसको हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। इसमें बीच में प्रोटीन भी होते हैं, ठीक है ना, बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, उसका रीजन आपको यही लिख के आना है, यही बताना है। ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये सेल के अंदर, जैसे ये सेल है, क्या सेल के अंदर जो एसेंशियल चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, जो एसेंशियल चीजें हैं, जो एसेंशियल चीजें जरूरी हैं, उनको तो ये सेल के अंदर एंट्री करा देता है, ये मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर एंट्री करा देगा। जबकि जो वेस्ट है, जो चीजें वेस्ट है, बेटा बानी क्या परेशानी हो गई, और ये कौन है टकला दादा, ऐसे लोगों को नहीं एंट्री मिलेगी। सर आप हमारे दोनों नंबर, क्योंकि सर हम आपकी बार बार मीटिंग डिस्कनेक्ट हो रही है इस कारण। ओके ओके, मैंने दोनों कर दिए हैं। और जो वेस्ट चीजें हैं सेल में से, जितना भी वेस्ट है उसको सेल से बाहर निकलवा देती है मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक तो आपको ये बताना है, अब ऐसा होता क्या, उसको डिटेल में जानते हैं। जो उसका सेलेक्टिव नेचर है, उसके पीछे का जो रीजन है वो है जो ये पोरिन मौजूद है। पोरिन मैंने आपको बताया था ना बच्चों, पोरिन क्या होता है, पोरिन याद है किसी को? हम बताएं? हाँ जी बताइए सर, हम बताएं प्रोटीन। हाँ जी बताइए सर, प्रोटीन। हाँ प्रोटीन, जो सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो चीजों को ट्रांसफर कराते हैं, उनको हम पोरिन बोलते हैं। तो पोरिन इज अ स्पेशल चैनल, आपको बता देना पोरिन क्या है, एक स्पेशल चैनल है, ठीक है। अब
अगर मैं आपको बताऊं कि इसका जो सेलेक्टिव नेचर है, देखो सेलेक्टिवली परमियबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, आपको तो यही बताना है क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है वो जो एसेंशियल चीजें हैं उनको क्या करा देता है, सेल के अंदर एंट्री दे देता है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको सेल से बाहर निकाल देता है, इसीलिए इसको हम सेलेक्टिवली परमियबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो इसका सेलेक्टिव नेचर है वो है किसकी वजह से, इज ड्यू टू पोरेंस, किसकी वजह से है, ऑरेंज पोरेंस की वजह से है। ठीक है, तो जो सेलेक्टिव नेचर आया है सेल मेम्ब्रेन का उसका रीजन क्या है, पोरेन है। ठीक है, तो आपको बता के आना है एग्जाम में, बिल्कुल भी मुझे कोई मिस्टेक ना मिल जाए, जो उसका सेलेक्टिव नेचर वो किसकी वजह से आया, पोरेन की वजह से आया। क्लियर है? अच्छा ये हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर आगे अब अपना सेल वॉल पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है, कि सेल वॉल क्या होता है। बच्चों आपने फेगोसाइटोसिस स्पिनोसाइटोसिस पढ़ लिया था, ये बताओ, नहीं पढ़ा तो फिर मैं पढ़ा देता हूँ। लोसा ठीक है, अब सेल वॉल से पहले फिर से एक और टॉपिक है तो जो आप जानना चाहेंगे, तो वो है फेगोसाइटोसिस और स्पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो भाई, फेगो साइटोसिस पिनो साइटोसिस, ठीक है, अच्छा मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई थी अगर आपको याद हो, एंडोसाइटोसिस। यस सर, व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? सर सेल के अंदर लाने की प्रोसेस। हाँ, सेल के अंदर आने की प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो कुछ नहीं है, बस ये ना दो टाइप हैं एंडोसाइटोसिस के, एंडोसाइटोसिस के दो टाइप्स हैं आपको याद रखना है, एक तो है फेगोसाइटोसिस और एक है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, अच्छा फेगो जो वर्ड है इसका मतलब होता है ईट करना, ईट, और पिनो मीन्स होता है ड्रिंक करना, ड्रिंक करना मतलब वो, ड्रिंक करना मतलब पीना। ठीक है, अच्छा तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन देनी है तो ऐसे देंगे, फेगोसाइटोसिस इज द ईटिंग फिनोमेना, ईटिंग फिनोमेना ऑफ सेल, तो सेल का जो ईटिंग फिनोमेना है उसी को हम फेगोसाइटोसिस बोलेंगे, और जो सेल का ड्रिंकिंग फिनोमेना है, सो द ड्रिंकिंग फिनोमिना ऑफ सेल इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, यस सर, एक एग्जाम्पल, जो हमारी डब्ल्यूबीसी है, जानते हो डब्ल्यूबीसी के बारे में? ठीक यस सर, है, डब्ल्यूबीसी, अच्छा डब्ल्यूबीसी, और मान के चलो कोई भी एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में ले ली फॉर एग्जांपल किसमिस की ही सेल ले ली मैंने, कोई किसमिस की सेल, ठीक है, किसमिस की कोई मैंने सेल ले ली है, सर किसकी शादी है? किसमिस, किसमिस नहीं जानते? यस सर, ठीक है, अच्छा इसके अंदर पानी जा सकता है, रात को जब आप पानी डालते हो और यस पानी में सर, भिगोते हो तो ये मोटी हो जाती है सेल, स्वेल अप हो जाती है, यस और सर, इसके पास अगर कोई यस सर, बैक्टीरिया वायरस आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए तो ये इसको क्या कर लेगा, ईट कर लेगा, क्या कर लेगा, ईट कर यस लेगा सर, ईट कर डब्ल्यूबीसी। ठीक लेगा। है ना, अच्छा हमारे शरीर के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे शरीर के अंदर ब्लड के अंदर में ही एक सेल मिलती है, मतलब डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं मोनोसाइट, क्या बोलते हैं, मोनोसाइट, मोनो, मोनोसाइट, ठीक है ना, हमारे ब्लड में ही मिलती है और डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है। मोनोसाइट्स क्या करती है, 40 to 50 days, 40 to 50 days ब्लड में रहने के बाद फिर किसी टिश्यू में घुस जाएगी अंदर,
ठीक है ना, 40 से 50 दिन ब्लड के अंदर रहने के बाद टिश्यूज में चली जाएगी और फिर ये बन जाएगी मैक्रोफेज। अब ये क्या क्या बन गई, मैक्रोफेज। देखो बच्चों, मैक्रो मीन्स बड़ा और फेज मतलब क्या होता है, मैंने बताया था PHAGOPHAG, इसका मतलब क्या होता है? ईट करना, सर, ईटिंग, ईटिंग फिनोमेना। हाँ। तो मैक्रो मतलब जो बड़ी सेल है और लार्ज मतलब लार्ज साइज इसका, और फेज मतलब ये क्या कर काम करती है, ईट करने का काम करती है। तो नाम समझ गए, मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस कौन सी एक्टिविटी शो करेंगे, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, अपने किस वजह से जाना जाता है? फेगोसाइटोसिस। अच्छा, तो एक कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसको अगर सेल के अंदर एंट्री हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, फेगोसाइटोसिस हो जाएगा, और कोई अगर लिक्विड सब्सटेंस है तो उसको क्या बोलेंगे हम, पिनोसाइटोसिस। क्लियर है सर, में आ गया फेगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस, यस सर। ठीक है। चलो फिर आगे बात करते हैं इसके बाद, और अब मैं फाइनली अपना टॉपिक जो कि है सेल वॉल उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सेल वॉल। आपके घर में वॉल है, दीवारें हैं, यस सर। होंगी फोर श्योर होंगी। अच्छा, कैसी है ये, मजबूत है, कैसी है, कमजोर है? सर मजबूत है। मजबूत है एकदम। अच्छा, आपकी जो घर की शेप, हाँ थैंक यू, आपके घर की जो शेप है जैसी भी है, गोल है या ट्रायंगुलर है या रेक्टेंगुलर है, क्यूबॉइडल है, क्यूबिकल है, ठीक है, ये किसकी वजह से है, वॉल्स की वजह से है या अंदर जो बेड रखा है आप जो बैठे उसकी वजह से है? वॉल्स की वजह वॉल्स से, की वजह से, वॉल्स वॉल्स। की वजह से, हाँ जी, हाँ वॉल्स जी, की वजह से। गुड। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि वॉल्स एक तो बहुत ही रिजिड होती हैं। कैसी होती हैं, रीड रिजिड। रिजिड। रिजिड मतलब सख्त, ठीक है, रिजिड। और ये शेप प्रोवाइड करती है, क्या काम करती है, शेप शेप प्रोवाइड प्रोवाइड करती है। करने की। हाँ, शेप प्रोवाइड करेंगे। सर ना बच्चों, वॉल का क्या काम हुआ, सेल वॉल। अच्छा, एक चीज और याद रखना, एक तो रिजिड होती है ये, ठीक है, और शेप प्रोवाइड करती है। आप याद रखना कि सेल वॉल एब्सेंट होती है कुछ जीवों में, ठीक है ना, सेल वॉल एब्सेंट होती है कुछ जीवों में। तो आपको बता देता हूं, तो सेल वॉल इज, बच्चों माइक ऑफ कर लो, इज एब्सेंट इन, ठीक है ना। तो सेल वॉल किस किस में एब्सेंट होती है, तो याद रखना, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा। हाँ, माइकोप्लाज्मा में ये एब्सेंट मिलेगा, ठीक है, और एनिमल सेल में ये एब्सेंट मिलेगा, किसे मिलेगा, एनिमल सेल मतलब प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट मिलेगा, ठीक है। और वायरसेस, वायरस जो है उसके अंदर भी सेल वॉल एब्सेंट मिलेगा, याद रखना, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपने याद रखने हैं कि ये एब्सेंट किस किस में मिलता है, वायरस में, ठीक ओके सर। ये है, प्रोटोजोआ और अमीबा में होती है। अमीबा में एब्सेंट होता है, किसमें एब्सेंट है, अमीबा और सर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में भी, ठीक है। अब सुनो, माइकोप्लाज्मा क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है, याद रखना। और मैंने आपको बताया था शायद इस वर्ल्ड की, इस संसार की सबसे छोटी सेल, स्मॉलेस्ट सेल, ये माइकोप्लाज्मा ही है। सबसे छोटी सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा। इसका साइज कितना है, जीरो माइकोप्लाज्मा। जीरो पॉइंट वन माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन।
आप याद रखना, एक माइक्रोन में 10^-6 मीटर होता है, एक माइक्रोन 10^-6 के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है वर्ल्ड की, सबसे लार्जेस्ट सेल, ह्यूमन की नहीं पूछ रहा हूं अब मैं, ह्यूमन के तो मैंने पढ़ा दिया था ना आपको, ह्यूमन में कौन सी बड़ी सेल है कौन सी छोटी सेल है, सबसे जो लार्जेस्ट सेल है वर्ल्ड की वो है ऑस्ट्रिच एग। ये जो एग है ना, एग, एग बस एक सेल ही होती है, एक सेल, ठीक है। तो सबसे बड़ी सेल दुनिया की वो है ऑस्ट्रिच का अंडा। क्लियर बच्चों, ये जो बता दिया समझ में आ गया सेल वॉल क्या है। अब एक एक करके इसके बारे में जान लेते हैं, सेल वॉल को और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो सेल वॉल एक रिजिड लेयर है और शेप प्रोवाइड करती है, और भी काम है इसका। हाँ, एक चीज आपको और याद रखनी, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके बाहर मिलेगी ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मिलेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और भी नाम बताए थे मैंने आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मैंने आपको और भी नाम बताए थे, लाइक सेल मेम्ब्रेन इसको बोल सकते हैं, आप याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में अगर भूल भी गए हूँ। सो द अदर नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक तो आप इसको सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो, प्लाज्मा लेमा बोल सकते हो, प्लाज्मा लेमा, और आप इसको यूनिवर्सल मेम्ब्रेन बोल सकते हो, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। क्लियर, ये नाम याद रखना। तो ये क्या है इसके अदर नेम्स है सर, प्लाज्मा लेमा में डबल एम है। हाँ जी, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखो जो सेल वॉल की फंक्शन आपको एक तो बता दें, हमने शेप प्रोवाइड करता है, ये इसका हो गया एक फंक्शन, ठीक है, और एक फंक्शन है इसका, ये सपोर्ट भी देता है सेल को, क्या देता है, सपोर्ट, सपोर्ट द सेल, सेल को पूरा सपोर्ट भी करके रखता है। तो ये दो इसके फंक्शन हो गए, ठीक है। अब सेल वॉल जो है, ये अंदर मैंने जैसे कि बना दी है आपकी सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर में बना देता हूं सेल वॉल। सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट रहती है, प्लांट्स और प्रोटोजोआ? हाँ 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 हाँ, बताएंगे सबका बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं वो ही बता रहा हूँ एक्चुअल में आपको। सर, ट्री में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन सभी लिविंग्स में प्रेजेंट होगी, लेकिन अभी इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल अच्छा, इस सेल की जो अंदर शेप है वो किसकी वजह से है, इसकी जो ऐसी शेप मिली वो किसी वजह से मिली इसको? हाँ, सेल वॉल की वजह से। अमीबा की शेप फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं है। हाँ, गुड, ये बात ऐसे ही बताया करो। अब देखो, ये मैंने बाहर बना दिया यहाँ पे सेल वॉल, ठीक है, ये है सेल, ये है सेल वॉल, ठीक है। अब देखो बच्चों, अलग अलग जीवों में अलग अलग चीजों से मिलकर बनी होती है सेल वॉल, ठीक है। तो मैं बताने जा रहा हूं आपको, तो जैसे कि आपका प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल किससे बनी होती है वो बताऊंगा एक तो आपको, फंजाई के अंदर होती है, फंजाई के अंदर किससे बनी होती है वो बताऊंगा, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर होती है वो ही बताए, ठीक है। प्लाज्मा एक ही बैक्टीरिया है जिसमें नहीं होती, और सभी बैक्टीरिया में होती है। हाँ, ये बात याद रखना, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास क्या नहीं मिलती, सेल वॉल नहीं मिलती है। अब देखो, प्लांट्स
प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल मिलती है वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, ठीक है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या भी बताएंगे, ठीक है। फंजाई के अंदर जो बनी होती है वो बनी होती है काइटिन की। अच्छा, काइटिन का दूसरा नाम है, इसको हम, काइटिन को हम फंगल सेल्यूलोज बोल सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद होती है, बैक्टीरिया के अंदर बनी हुई होती है ये पेप्टिडो ग्लाइकन, ठीक है। ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, आप इनको याद रखें, कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, नाम से पता करते हैं, पेप्टिडो का मतलब होता है प्रोटीन, ग्लाइकन मतलब ग्लूकोज। तो ये किस किस से मिलके बना है, इसका मतलब सब प्रोटीन और ग्लूकोज। हाँ, इसकी जो सेल वॉल है उसमें दो चीजें मिलेंगी हमें, प्रोटीन और ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, काइटिन का दूसरा नाम क्या बताया मैंने, फंगल सेल्यूलोज, मतलब ऐसा सेल्यूलोज जो किसके अंदर मिलता है, फंजाई के अंदर मिलता है, ठीक है। अब मैंने आपको कहीं पहले पहले कभी मंत्र दिए होंगे, मंत्र, यस सर, उसे मैंने बताया था, शुगर और एंजाइम, लास्ट में अगर ओज आ जाए तो वो शुगर, तो शुगर, तो ये क्या है, एक शुगर, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट है। शुगर बोल दो या कार्बोहाइड्रेट बोल दो, ठीक है। अभी आप अपने लेवल पे याद रखें, तो मतलब इसकी जो ये लेयर है ये किससे बन रही है, कार्बोहाइड्रेट से, हाइड्रेट, कार्ब लिख दिया, जैसे कार्बोहाइड्रेट को शॉर्ट में कार्ब बोल देते, नहीं बोलते कार्ब, ठीक है, यस सर। अच्छा, सेल्यूलोज, अब बताना प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट, यस, ये बनी होगी कार्बोहाइड्रेट। ले आगे बच्चों, समझ में आ गया सब कुछ, यस यस सर, गुड, बहुत अच्छा। इसके बाद जो ये सेल वॉल है ये परमिएबल इन नेचर है, इसका नेचर कैसा है, परमिएबल, परमिएबल, परमिएबल का मतलब कौन बताएगा मुझे, सॉल्यूट दोनों पास से जाते हैं, गुड, ये बात बहुत अच्छी, बात बहुत अच्छी क्लास है ये, पढ़ने वाले बच्चे हैं इसमें, ऐसे ज्ञान तुम्हें मैं देता रहूंगा, ठीक है। फिलहाल ये देखो, आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये किसके बाहर प्रेजेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, और सेल वॉल के बारे में आज आपने बहुत कुछ जान लिया है, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ फटाक से कि ये होता क्या है, सेल्यूलोज, ये कार्ब, ये सब होते क्या है, ठीक है, तो इसको हम जान लेते हैं थोड़ा सा। तो सुने बच्चों, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड्स क्या होते हैं, अच्छा सैकेराइड्स को शुगर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, आपको साइंस की काउंटिंग्स तो याद ही होंगी, साइंस की जो काउंटिंग्स होती है, yes, sir. याद है ना, चलो ठीक है, फिर नहीं बताता। अब सुने, एक्चुअल में ग्लूकोस, ग्लूकोस का फॉर्मूला आता है सभी को, ग्लूकोस, यस सर, बताओ फॉर्मूला क्या है इसका, C6H12O6। अच्छा, इसको मैं एक यूनिट मान लेता हूँ, ठीक है, एक यूनिट, इसमें भी लास्ट में ओज आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट है ना, ये बात, गुड, बहुत बढ़िया इंसान हो तुम सभी। अब सुने, इसको मैंने एक यूनिट मान लिया, ठीक है, अगर यस सर, जो सेल वॉल होती है, पूछो,
सर आपने बताया था जो सेल की शेप है वो सेल वॉल की वजह से होती है। घर का एग्जांपल देके तो घर पे तो सारी चीजें एक जगह रहती हैं पर सेल में नहीं रहती। देखिए जगह की नहीं, मैं आपके ना पूरे घर की शेप की बात कर रहा हूँ बच्चे। पूरे घर की शेप को आप देखें बाहर से, आप किसी सेल को बाहर से देखोगे तो उसकी शेप किस वजह से ऐसी है, सेल वॉल की वजह से। अमीबा की अपनी शेप ऐसी क्यों नहीं है, कोई फिक्स शेप क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है। ठीक है, बाहर से देखने की बात कर रहा हूँ मैं, अंदर से देखने की बात नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना जैसे वो मूव करेंगे। हाँ वो अलग तो सेल होगी। देखिए वो चीज एनिमल सेल के केस में अप्लाई करेंगे हम कि उसकी शेप कौन डिसाइड करता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास तो सेल वॉल नहीं, फिर उसकी शेप फिक्स कैसे है, तो वो चीज मैं तब डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल आप जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद है उसकी शेप ऐसी क्यों है वो डिसाइड करती है उसकी सेल वॉल, उसकी सेल वॉल की वजह से उसकी शेप ऐसी है। सर कितने पढ़ते हैं हम? गुड, पढ़ा करो। अब सुने भाई, अब ग्लूकोज, देखो सैकराइड मतलब शुगर होता है, तो इसमें एक ही शुगर है तो इसको मैं बोलूंगा मोनो। मोनो मतलब जानते हो ना, मोनो डाई ट्राई। यस सर। हाँ, तो इसको मैं बोलूंगा मोनो सैकेराइड, इसको मैं बोलूंगा मोनो सैकेराइड। ठीक है, अच्छा अगर मैंने ऐसे दो यूनिट जोड़ दिए, ऐसे अगर मैं दो यूनिट जोड़ दूं तो क्या बोलूंगा मैं इसको? यस, इसको मैं बोलूंगा क्या? डाई डाइसैकेराइड। ठीक है ना, अच्छा अगर मैं ऐसे तीन जोड़ दूं तो ट्राइसैकेराइड। गुड, बहुत अच्छा, इसको तब मैं बोलूंगा ट्राई सैकेराइड। ठीक है, इसको तब मैं बोलूंगा ट्राई सैकेराइड। अच्छा अगर मैं ऐसी बहुत सारी यूनिट्स को जोड़ू, बहुत सारी यूनिट्स को अगर मैं जोड़ता चलू, बहुत सारी यूनिट्स मतलब एंडलेस, मैनी, मैनी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इन्फिनिटी। नहीं सुने, देखो बच्चों मैनी के लिए अगर यहाँ पे मैनी यूनिट्स आ जाए, ठीक है मैनी, अभी आप गए नहीं इसको, नहीं तो आप बता दो सर ये तो 10 से कम है इसको तो फिर। अच्छा पहले इसको बताओ ये कितने यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 बताओ, फिर इसको क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड। तो बस इतना ही समझ लीजिए, जो ये सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, शुगर होते हैं, बहुत सारे मतलब मैनी शुगर होते हैं इसके पास, क्या होते हैं? मैनी शुगर, मैनी शुगर से मिलके बना होता है ये। ठीक है ना, बहुत सारे शुगर से मिलके ये बना होता है, तो इसीलिए सेलुलोज को क्या बोलेंगे हम? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड। और ये होता क्या है, समझ में आ गया? तो सेलुलोज क्या है, एक तरह का पॉली पॉलीसेकेराइड का। इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो ऐसे लिख दूंगा C6H12O6, मतलब ये बहुत बार रिपीट हो रहा है तो उसको मैं इस तरह से लिख दूंगा, N लगा दूंगा नीचे। N N कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, समझ गए पॉलीसेकेराइड क्या होता है? यस सर, यस सर। तो इतना काफी आज आपके लिए है ना, इतना ज्ञान, बाकी हम कल मिलते हैं। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, ये नोट्स में लिख लीजिएगा आप। ओके सर। ओके सर, आप इसके थ्योरी कब करवाओगे? देखो मैं नोट्स भेज रखे।